फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पॉलिटेक्निक को सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो जुलाई में होने वाली हो सके 25 जुलाई से हो। तो दोस्तों, इस बीच आप लोग कोई किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, खास करके इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि काफ़ी टफ पड़ता है। अगर उसका एक महीना टाइम मिला है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सभी कई साल के पेपर, मॉडल पेपर या फिर अन्य पेपरों को देख करके एक ऐसा MCQ बनाया है, टॉप 50 MCQ, जिसको पढ़ के आप बिल्कुल बैक का तो चांस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम चालू करते हैं। अगर जो बच्चे अभी तक साफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड सेमेस्टर का बुक भी नहीं देखे हैं, तो वो बस केवल इस वीडियो को आसानी से देख लें और आराम से बैठ के देख लें। बस एक ही वीडियो काफ़ी है। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब है ए, इंजीनियर की डिग्री, बी, ग्राफिक भाषा, सी, इंजीनियर की कला और डी, ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ग्राफिक भाषा। इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियर की एक ग्राफिक भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिफाइड चूड़ियो में पार्श्व फ्लैंक के बीच का कोण है? जी हाँ दोस्तों, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। BSW चूड़ियो में पार्श्व फ्लैंक के बीच का कोण है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूड़ियों के शिखर पर मापा व्यास जाना जाता है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ व्यास, मेजर डायमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य भाग है ए, इंजीनियरिंग ड्राइंग अध्यापक, बी, श्यामपट्ट, ब्लैकबोर्ड, सी, मिनी ड्राफ्टर, डी, ड्राइंग शीट। तो दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं देखूँगा कौन जल्दी कमेंट कर रहा है, कितना आता है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूड़ियों के मूल पर मापा व्यास जाना जाता है? अभी देखा आपने, पिछला क्वेश्चन शिखर पे था, अब चूड़ियों के मूल पर मापा व्यास। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु व्यास, माइनर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आकार के छेद में चूड़ियों को इस मशीन द्वारा काटा जाता है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग चूड़ियाँ देखे होंगे नट और बोल्ट में। अब ये मत समझिएगा कि जो औरतें चूड़ियाँ पहन रही हैं उनके बारे में बात हो रहा है, जी नहीं दोस्तों, जो लोहे में चूड़ियाँ काटी जाती हैं, जैसे नट और बोल्ट हो गया, तो नट को बोल्ट में कसने के लिए जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसी को हम चूड़ियाँ कहते हैं, उस टाइप की चूड़ियाँ। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, खराद। नेक्स्ट दोस्तों, छोटे आकार के छेद में चूड़ियों को इस मशीन द्वारा काटा जाता है। दोस्तों, जिससे पिछला क्वेश्चन था बड़े आकार वाले, इसमें है छोटे आकार वाले, तो इसमें दोस्तों कैसे चूड़ियों काटा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलनाकार टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं उसे जाना जाता है ए, दीर्घ व्यास, बी, अभिहित व्यास, सी, लघु व्यास, डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिहित व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ और लघु व्यास के माध्य को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतराल व्यास, पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बटरेस चूड़िया में फ्लैंक डैश का कोण बनाते हैं? दोस्तों, जो बटरेस चूड़ियों में फ्लैंक का कोण बनाते हैं उसका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बटरेस चूड़िया का उपयोग इस स्क्रू में किया जाता है, किस स्क्रू में किया जाता है दोस्तों? इस स्क्रू में। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंच वाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चूड़ियों की ढलान होती है? दोस्तों, चूड़ियों का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? अंतराल का आधा, अंतराल का दोगुना, अंतराल का तीन गुना, अंतराल का एक चौथाई। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतराल का आधा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जोड़ जिसके एक अवयव को दूसरे अवयव में के खांचे में जोड़ा जाता है उसे जोड़ को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, खांचित जोड़।
काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट्रेस चूड़िया संयोजन है। बट्रेस जो चूड़िया होती है दोस्तों, चूड़िया कई प्रकार की होती है, BSW थ्रेड, तो इसमें हो जाएगा बट्रेस चूड़िया संयोजन है, तो किसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी वर्गाकार और वी चूड़िया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल चूड़िया डैश चूड़िया का संशोधित रूप है, मतलब नकल चूड़िया जो है किसका संशोधित रूप है, इसमें दिया है ऑप्शन, देख सकते हैं आप चारों ऑप्शन को, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जोड़ जिससे एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरे अवयव को प्रेक्षण किया जा सके, वो जोड़ को कहते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जोड़ वाला चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राइडल जोड़, ब्राइडल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वो जोड़ जिसमें प्रत्येक अवयव विपरीत पक्ष की तरफ से मोटाई का आधा कटा होकर अतिव्यापन हो तो उस जोड़ को कहते हैं, ए अनुप्रस्थ अर्धजोड़, बी अर्धजोड़, सी टी अर्धजोड़ और डी खांचित जोड़, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धजोड़, हैव हॉलरिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, षष्ठभुजाकार ढीबरी की ऊंचाई या मोटाई होती है। अब ढीबरी मतलब दोस्तों आप समझिए होंगे नट और बोल्ट, ये मत समझिएगा कि ढीबरी मतलब दिया, जैसे गांव देहात में दिया कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी काबले के व्यास के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा काबला किस के लिए उपयोग किया जाता है। कांटा काबला आई बोल्ट्स, ये बोल्ट्स है, बोल्ट्स तो आप जानते होंगे, मशीन मैकेनिकल्स होंगे तो नट बोल्ट तो ज़रूर जानते होंगे, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मशीनों को उठाना और परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जोड़ जिसमें पारस्परिक दिशा में दो सदस्य जुड़े होते हैं उस जोड़ को कहते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि जब दो अनुप्रस्थ तरीके से दो पारस्परिक जोड़ तो उस जोड़ को कहते हैं अनुप्रस्थ अर्धजोड़, ऑप्शन ए। वो जोड़ जो दो टुकड़ों पर डबच्यूल बनाकर जोड़ा जाए उस जोड़ को कहते हैं, ये तो काफ़ी इजी है, आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डबच्यूल जोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो जोड़ जिसके दो अवयव इस तरह जुड़े होते हैं कि वर्णमाला टी बनता है उस जोड़ को कहते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, ये भी जोड़ ही चैप्टर से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी टी अर्धजोड़। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फ्लैंज कपलिंग सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है किसका। दोस्तों एक फ्लैंज कपलिंग जो होता है वो हम की का, जो की है ऑप्शन बी है कुंजी, इसका सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवेट व्यास होना चाहिए। दोस्तों ये चैप्टर रिवेट्स वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इसमें, तो रिवेट व्यास होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेट की मोटाई से अधिक होना चाहिए रिवेट का व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विमान निकाय एक है, विमान निकाय एक है, ये भी रिवेट चैप्टर से ही है, विमान निकाय एक है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कास्ट संरचना, देख सकते हैं डिवाइडेड स्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों रिवेट्स बने होते हैं, अब दोस्तों इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप, ब्रिटल, लचीला, मुलायम और हार्ड, तो दोस्तों इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल, ऑप्शन सी मुलायम सामग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रिवेट होते हैं दोस्तों, पिछला क्वेश्चन था रिवेट बने होते हैं और ये क्वेश्चन है रिवेट होते हैं, अब देख सकते हैं कि ए बी सी ऑप्शन है काफ़ी, तो इस पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिति में ढालने से पहले गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारों होते हैं, टक्कर जो जोड़ होता है, जैसे जोड़ कई प्रकार के होते हैं डबच्यूल, टक्कर जो जोड़ होता है इसमें जोड़ों के किनारे होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ, जो टक्कर आप टक्कर तो नाम ही समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम से कम रिवेट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ को बनाने के लिए, मतलब कम से कम कितने रिवेट्स आवश्यक हैं टक्कर जोड़ को बनाने के लिए, तो इसमें दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दो पंक्तियों को, कम से कम दो पंक्ति चाहिए रिवेट्स जोड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केवल एक पट्टा का उपयोग किया जाता है तो टक्कर को पट्टा की मोटाई होती है,
यह दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 1.1252 टी। टी इसकी मोटाई है। जब दो पट्टियों का उपयोग किया जाता है तो टक्कर को पट्टा की मोटाई होती है, टक्कर के पट्टा की मोटाई होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 0.625 टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूम है दोस्तों, रिवेट किस रूम पर सबसे अधिक इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्नैप या कप हेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेट की मोटाई और रिवेट का व्यास के बीच संबंध है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है कि प्लेट की मोटाई और रिवेट का व्यास के बीच संबंध है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी t = 6 × √t। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन का मान रिवेट के व्यास के लगभग गुना होता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और मार्जिन तो आप समझ रहे होंगे, जैसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में मार्जिन लाइन बनाते थे पहले, उसी को मार्जिन इसमें भी कहा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवेट्स जोड़ों के प्रकार हैं, मतलब रिवेट्स जोड़ों के जो प्रकार हैं, तो ए टक्कर जोड़, बी चढ़ाव जोड़, सी ए ओ बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी दोनों, चढ़ाव और टक्कर जोड़ दोनों इसके प्रकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवेट छेद के व्यास को रिवेट से बड़ा रखा जाता है। दोस्तों रिवेट में जो छेद होता है, छेद के व्यास होता है, उसको रिवेट से बड़ा रखा जाता है, कितना बड़ा? इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक, 1.5 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काक उपकरण के आकार हैं, जो एक काक उपकरण होता है आप देखे होंगे शायद, तो इसके आकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लंट छेनी, ब्लंट चीसेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुलरन उपकरण की मोटाई होती है, अब दोस्तों फुलरन उपकरण तो कई लोग जानते भी नहीं होंगे, शायद देखे भी नहीं होंगे, देख लीजिएगा आप प्रैक्टिकल लैब में जाके। फुलरन उपकरण की मोटाई होती है प्लेटों के समान, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लीव और कार्टर जोड़ के मुख्य भाग हैं, ये भी जोड़ चैप्टर से है, ज्वाइंट चैप्टर से, काफ़ी ईजी है असेंबली चैप्टर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल या पिन जोड़ के मुख्य भाग हैं, ए कांटा अंतराड का, बी कांटर, सी पिन और सुरकंडर पिन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, नकल या पिन जोड़ के मुख्य भाग ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नकल जोड़ हो सकता है, एक नकल जोड़ दोस्तों क्या हो सकता है? देख सकते हैं आप चार ऑप्शन, आसानी से टुकड़े या डिसकनेक्ट हो, मतलब राड की आवश्यकता जिस समय काफ़ी बदलाव होती रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्की काठ कुंजी लाइट ड्यूटी कीज का प्रकार है, दोस्तों हल्की काठ कुंजी का प्रकार है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फ्लैट और खोखली सैंडल कुंजी दोनों इसके प्रकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस कुंजी को आसानी से कुंजी पद से बाहर निकाला जा सकता है वो है, दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस कुंजी को आसानी से कुंजी पद से बाहर निकाला जा सकता है वो है ऑप्शन सी गिव हेड कुंजी, गिव हेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजी का उपयोग किया जाता है एक शाफ्ट और चरखी को जोड़ने के लिए, शाफ्ट और चरखी के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए, ए और बी दोनों पिन जोड़ को बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, शाफ्ट और चरखी सापेक्ष गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुंडाकार टेपरेट कुंजी होती है, सुंडाकार मतलब टेपर, टेपर मतलब चपटा टाइप का टेपर कुंजी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमतौर पर कुंजी इस सामग्री की बनी होती है, मतलब कुंजी बनती कैसे है, जो की होती है कुंजी होती है वो बनती कैसे है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइल स्टील, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडाकार कुंजी टेपर्ड की का मानक सुंड होता है, मतलब इसका एक मानक जो माना गया है साइंटिफिकल, तो वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 1:100।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरना ढीबरी को इस नाम से भी जाना जाता है। ढीबरी मतलब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि नट और बोल्ट के बारे में बात कर रहा है, नट के बारे में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, व्हील्स ढीबरी, व्हील्स नट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? जैसे आप सिंपली अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे तो आप जरूर आसानी से इसको पास कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, वाशर जो होता है, लॉकिंग डिवाइस नहीं जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों कई मैकेनिकल में तो इंजीनियरिंग में कई झटके आते हैं जैसे मशीन चलाते समय, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग ढीबरी, कैस्टल नट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? दोस्तों आपने पिछले का क्वेश्चन देखा था, उसमें सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस था, इसमें केवल लॉकिंग डिवाइस है। कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, लुइस काबला, लुइस बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक ढीबरी की मोटाई है? जी हाँ दोस्तों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा दोस्तों, लॉक ढीबरी की मोटाई क्या होती है, लॉक नट की जो होती है वो मोटाई क्या होती है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 0.5 डायोप्टर से 0.75 डायोप्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर लॉक ढीबरी को रखा जाता है मानक ढीबरी के ऊपर, मानक ढीबरी के नीचे, उपरोक्त में से कोई भी या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, मानक ढीबरी के नीचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्प्लिट पिन एक है, जो स्प्लिट है वो पिन क्या है? तांबे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, इस्पात का तार है या डी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस्पात का तार होता है, जो स्प्लिट पिन एक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंतुर काबला रैक बोल्ट के नीचे का हिस्से का अनुप्रस्थ काट होता है, सर्कुलर, हेक्सागोनल या सॉरी ये मिट गया थोड़ा, आयताकार या वर्गाकार? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयताकार, रेक्टेंगुलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, दंतुर काबला में काबले के चारों ओर अंडाशय की जगह भरी जाती है। दोस्तों जगह को किससे भरी जाती है जो खाली जगह होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शीशा या सल्फर से। अब दोस्तों एक मैं आपसे मौखिक प्रश्न करता हूँ, आप इसका उत्तर दीजिएगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न ये है, हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में लेटरिंग अक्षर लिखते थे, तो जो हम इंक्लाइन में जब लिखते थे तो वो कितने अंश पे झुका के लिखते थे? जी हाँ दोस्तों, इसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आप कितने पढ़ने वाले हैं और कितने नहीं पढ़ने वाले हैं, आपको पिछला याद है या फिर सब चीज़ भूल गए हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप लेटरिंग को इंक्लाइन में कितने पे लिखते हैं।